तो भाई अब ये भी बता दे, कितने साल से जानता है उसे? पापा पिछले 4 साल से साथ हैं। लो बताओ, 4 साल से हमारा बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करके बैठा है, लेकिन इन 4 सालों में इसने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अब हमें बता रहा है तो हमारी ना सुनने के लिए तो नहीं बता रहा होगा ना? अरे आजकल के बच्चों को किसी की हाँ ना से लेना देना ही क्या है? माँ बाप का सपना होता है ऐसी बहू लाएंगे वैसी बहू लाएंगे। इसने तो हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है हम कुछ भी सोचे हम कुछ भी करें, इसको तो अपनी मर्जी चलानी है। भाई दूसरी जात बिरादरी की लड़की है, पता नहीं कितना एडजस्ट करेगी हमारे साथ। पापा आप एक बार मिल तो लो, अच्छी फैमिली अच्छा लगेगा आपको मिलके। अरे हम क्यों जाएंगे उनसे मिलने के लिए, लड़के वाले हैं हम, वो आएंगे हमारे घर रिश्ता लेके, वो है लड़की वाले, इतनी तो इज्जत रखेगा हमारी है वो भी नहीं कर सकता तू। तो मम्मी वो लोग आ जाएंगे, मना नहीं करेंगे, अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ वो तो हमें दिख ही रहा है कितनी अच्छी फैमिली है, अभी से हमारा बेटा उनका जो हो गया है। हाँ यश बोलो, हुई कुछ बात घर पे? हुई तो यार, पर वो लोग नहीं आएंगे, तुझे ही भेजना पड़ेगा अपने घर वालों को। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? नहीं यार सिब्बू, वो बात नहीं है। देख तू समझ सकती है, मैं समझ सकता हूँ, पर वो लोग नहीं समझ सकते यार। यार वो अभी भी हम लड़के वाले तुम लड़की वाले यही सब पकड़ के बैठे हैं। यार उनको तो अब भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि मैंने खुद से लड़की पसंद कर ली है। अच्छा ठीक है मैं करती हूँ कुछ। हाँ प्लीज यार, तू बस संडे को अपने घर वालों को भेजने का ट्राई करना कैसे भी। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। क्यों हम क्यों जाए पहले, वो क्यों नहीं आ सकते? मम्मी कोई भी पहले जाए, क्या रखा है इन बातों में, किसी को तो पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। वो अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए ना तेरे माँ बाप को झुकाने की बात कर रहा है। इसको यश के घर वालों के सामने अपने घर वाले कहाँ ही नजर आ रहे होंगे। मम्मी अगर मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करती तब भी आप मुझे यही सब कहते? तब जो करते हम सो करते, लेकिन ऐसा मौका ही तूने हमें कहाँ दिया। ठीक है कोई भी मत जाओ, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। लो ये तो चली गई रोके, अब क्या करना है? करना क्या है, चलना ही पड़ेगा, इसको रोता हुआ देख थोड़ी सकते हैं हम लोग। क्योंकि हम लड़की वाले हैं हम ही जाएंगे, वो लड़के वाले हैं वो आएंगे तो उनकी इज्जत नहीं कम हो जाएगी। हाय सिब्बू। हाय कैसी है तू? अच्छा हुआ तू घर ही आ गई, मैं ना तुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हाँ सच्ची, जल्दी बता यार जल्दी बता। तुझे पता है मेरे पेरेंट्स यश के घर जाने के लिए मान गए रिश्ते की बात करने के लिए, बस अब आई होप सब अच्छा ही हो। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ना अभी इतनी ज्यादा एक्साइटेड मत हो। देख थोड़ी एक्साइटमेंट ना शादी के लिए भी बचा के रख, तुझे नहीं पता अभी कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी तू जानती है ना यश के पेरेंट्स का नेचर क्या है। क्या यार ऐशु तू इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है, तू हमेशा ना नेगेटिव बात ही करती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, तू हमेशा ऐसी बातें मत किया कर उल्टी सीधी। अच्छा चल ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। वैसे जब तेरे पेरेंट्स यश के घर उनसे मिलने जाएंगे तो तू तो घर पे अकेली होगी। एक काम करती हूँ ना, मैं तेरे घर आ जाऊंगी, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। मस्ती करेंगे? हाँ हाँ यार फुल मस्ती करेंगे, मूवी देखेंगे मैगी बना के खाएंगे, फुल होम अलोन वाली लाइफ जिएंगे, क्या बोलती है? रहने दे तू, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरा नया दोस्त बहुत अच्छा है चिल करने के लिए, और तेरी तरह उल्टी सीधी बातें भी नहीं करता। हो नया दोस्त, वो भी मुझसे अच्छा, कौन है वो? ये देख जुप्पी इंडिया का अपना गेम, यहाँ तू अपनी स्किल से विनिंग कर सकती है, और जस्ट 1 रुपीज से 10 मिनट वाली गेम जैसे लूडो स्नेक्स और लैडर जैसी गेम खेल के लैक्स में विन कर सकती है। वाओ अमेजिंग यार, लेकिन एक बात बता मुझे ये विनिंग अमाउंट कैसे मिलेगा? अरे यार अपना तो विनिंग अमाउंट इजिली UPI के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉ कर सकती है, वो भी डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में, और देख ये 100% सेफ एंड सिक्योर है, और साथ ही तुझे TDS और GST कैशबैक भी मिलता है। अरे यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी ना 7 करोड़ प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। वाह यार सिक्योरिटी की भी कोई टेंशन नहीं है, बताना जल्दी ये डाउनलोड कैसे होगा?
अरे यार, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर ले, या फिर तू zuppi.com से भी डाउनलोड कर सकती है। और हाँ, तुझे 10 रुपए का साइन अप भी मिलेगा। मैं ना अभी डाउनलोड करती हूँ। और हाँ, आप लोग भी डाउनलोड करो भाई। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जी। ये खुद ही पानी लेने क्यों जा रही है? इसके घर में कोई मेड नहीं है क्या? सिब्बू ने बताया मुझे कि बच्चे एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। हाँ भाई साहब, हमारे लड़के ने भी कल ही बताया। घर में काम वाली तक नहीं रख रखी है, इसका मतलब शादी के बाद सारा काम मेरी बेटी से ही करवाएगी। बहन जी, आपने घर पे कोई काम वाली नहीं रखी है, मेरा मतलब कि घर का सारा काम आप ही खुद संभालते हो। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, मेड है मेरे घर पे, बस वो आज ना छुट्टी पे है। और वैसे भी आजकल तो लड़कियों को घर का सारा काम आना ही चाहिए, क्यों जी? तो भाई साहब, आगे क्या करना है? बस कुंडली मिलवा लेते हैं बच्चों की, फिर देखते हैं क्या होता है। जी भाई साहब, आपको देखिए जैसा सही लगता है आप वैसे करवा लीजिए, पर हम तो इन सब बातों में विश्वास रखते नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब कह रहे हैं तो कुंडली मिलवा लेते हैं, पहले बच्चों का एंगेजमेंट करवा देंगे, उसके बाद आप किसी पंडित को जानते हो तो उन्हें बुलवा कर बच्चों की शादी की तारीख भी फिक्स करवा लेंगे। ठीक है जी। भाई साहब, बहन जी, टोकने के लिए माफ करना, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम ये शादी सिंपल रखें, कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलवाएं, क्योंकि खामा खा की शादी में भीड़ इकट्ठा करके क्या ही फायदा, सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुला लेंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारा तो इकलौता बेटा है ना, हमारे घर की पहली शादी है, हम तो अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जिनके साथ हमारा सुबह शाम उठना बैठना है, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए बहन जी, शादी तो ना पूरे रीति रिवाज और पूरे परिवार के साथ ही होगी। नहीं नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको अपने जितने भी रिश्तेदार बुलाने हैं आप बुलाइए, और शादी भी थोड़ी रोज रोज होती है। ठीक है भाई साहब, चलते हैं फिर, आप तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। बिल्कुल भाई साहब। भाई चलिए बहन जी, अब तो मिलना होता रहेगा, मिलके अच्छा लगा आपसे। जी बहन जी, आते रहिएगा। जी मम्मी, हो गई बात? बात? अरे बात क्या होनी थी, वो तो यहाँ पे अपनी फरमाइशें झाड़ने आई थी। मॉडर्न तो ऐसे बनके दिखा रही थी, ना वो जन्मपत्री में मानती है, ना उसको मेहमानों को शादी में बुलाना है। अरे एक कमरे में तेरी शादी करेंगे क्या हम? भाई रिश्तेदारों को तो इन्हें खाना खिलाने में जोर पड़ रहा है, लेने देने की बात क्या ही करेंगे ये। पापा क्या लेने देने की बात कर रहे हो, कमाता तो हूँ मैं। वाह वाह वाह, अपने बेटे को देख लो कैसे अभी से उनकी साइड ले रहा है। नीतू एक बात बता मुझे, ये तेरी सास हमेशा इतनी मॉडर्न बनी घूमती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इसकी सास से मेरी जिंदगी भर बनेगी। क्या मम्मी, आपने क्या फरमाइश हो रही, मॉडर्न वगैरह लगा रखा है, मॉडर्न तो समय के साथ आप भी हो जाओगे ना। अच्छा ठीक है, मिलने दे अगली बार तेरी सास को, दिखा दूंगी मैं उसे कि मैं भी कम नहीं उससे। बोल दो इसको। अरे भाई साहब, बहन जी, रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं, बाकी हम सब तो बस उसे मिलाने का साधन है, क्यों जी? सही कहा भाई साहब आपने, बस माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे बच्चों पे। अच्छा बहन जी, आप चाय लोगे या कॉफी? चाय चलेगी बहन जी। कैसी चाय लेंगी, दूध के साथ या बिना दूध के? कोई भी चलेगी, वैसे दूध वाली बना दीजिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए दूध वाली चाय बनाकर लाती हूँ। बाकी बच्चे एक बार मीटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, आखिर उन्हीं की लाइफ है, उन्हीं को फैसला करना है, क्यों जी? हाँ जी भाई साहब, अब बच्चे राजी तो माँ बाप तो राजी हो ही जाते हैं। हाँ हाँ, जब उम्र भर दोनों बच्चों को साथ ही रहना है तो पहले मिलके एक दूसरे को जितना समझ लेंगे ना उतना अच्छा है। बहन जी, भाई साहब, मैं क्या कह रही थी कि ये सब करने से पहले एक बार बच्चों की आपस में जन्म पत्री भी मिलवा देते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलवा लेंगे। और वैसे भी बहन जी, अगर कोई कमी पेशी निकल भी आती है ना तो पंडित जी हर चीज का उपाय बता देते हैं, आप फिक्र मत करो, आजकल सब हो जाता है। हाँ, फिर तो सब ठीक ही होगा। तो भाई साहब, रिश्ता पक्का समझे? अरे पक्का ही है जी, बाकी आप रिलेटिव्स का बता दीजिएगा कि कैसे क्या करना है, और जो लेन देन का है वो भी कर लेंगे। अरे भाई साहब, हम बहू नहीं बेटी लेने आए हैं,
और आप ही बताइए बहन जी, हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? अरे आपकी बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे, बहुत खुश रहेगी हमारे घर में। आप लोग चिंता छोड़ दीजिए अब। ये तो जी आपका बड़प्पन है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो तो हमें करनी पड़ेगी ना। अब देखिए भाई साहब, ये सब तो आपकी मर्जी है, आपको जो करना हो आप अपनी खुशी से कर दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे वैसे बहन जी, आपके हाथ तो बड़े ही प्यारे, ये क्या आपने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं? हाँ जी, नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। कहाँ से? अपने खुद के सैलून में, पीतमपुरा में। अरे वाह, आपका खुद का सैलून भी है, कहाँ पर है? पीतमपुरा में, द हेयर पैलेस नाम से। आप भी जरूर आइएगा, आपका भी करवा दूंगी। बिल्कुल, अगली बार जब मुझे नेल एक्सटेंशन करवाने होंगे ना तो पीतमपुरा ही आऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वैसे भाभी जी एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपका नेचर बड़ा ही प्यारा है, आप तो मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी भी है, आपकी बेटी भी बिल्कुल आपकी तरह होगी, आपके ही जो सारे गुण आए होंगे उसमें। क्यों जी, है ना, अगर अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो तो अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो ठीक है भाई साहब, चलते हैं फिर, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। हाँ जी हाँ जी। मिलते रहिएगा बहन जी, और आऊंगी जरूर पीतमपुरा। जी बिल्कुल। देखो जी, लिस्ट तो लगभग रेडी हो गई। दो मेरी बुआ की बेटियां हो गई, दो मेरे मामा मामी, दो उनके बच्चे और दो उनके पोता पोती। पोते पोतियां? अरे हाँ भाई, वो मुझे हर फंक्शन में बुलाते हैं, उन्हें कैसे छोड़ दूं मैं? अरे भाई, अगले तो इस चक्कर में है कि एक जोड़े में लड़की ले जाओ, और तू यहाँ पूरा मेला लगाने पे तुली है। अरे भाई, वो तो इस चक्कर में भी है कि लव मैरिज के नाम पे उनकी जेब से एक रुपया खर्च ना हो जाए, अगले तो लेन देन की बात भी नहीं कर रहे। अरे अनीता, बधाई हो बधाई हो, लड़के का रिश्ता तय कर दिया है। यस बेटा, तेरे को भी बधाई हो। अरे भाभी जी आइए ना, बैठिए। और शादी की तैयारियां शुरू कर दी? हाँ 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 भाभी जी, बस रिश्तेदारों की लिस्ट ही बना रही थी, किस किस को बुलाना है और किस किस को नहीं। अरे किस किस को क्या, सबको बुला, एक ही तो लड़का है, ये मौका बार बार थोड़ी आएगा। हाँ हाँ भाभी, बुलाएंगे सबको बुलाएंगे। और ये बता, गाड़ी कौन सी दे रहे हैं? मैं तो ये कह रही हूँ बड़ी सी गाड़ी लेना, चाहे ना थोड़े पैसे खुद मिलाने पड़ जाएं, इस बहाने चीज अच्छी आ जाएगी। और शॉपिंग वगैरह साथ ही कर रहे हो? नहीं भाभी, अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड किया नहीं है। देख भाई, मैं तो तुझे ना अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो भी खरीदना है ना अपने आप खरीदना। ये मिलके शॉपिंग करने के चौंचले के चक्कर में बहू को ये तो कह ही नहीं सकते, ये इतने वाली ले ले, ये इतने वाली मत ले। वो बिना सोचे समझे किसी भी चीज पे हाथ रखती हैं, फिर वो तुम्हें दिलानी पड़ेगी, सारी महंगी चीजें अपने सर पड़ जाएंगी और बजट कहीं का कहीं चला जाएगा। अरे भाभी जी, अब आपको क्या बताऊं, ये लड़की वाले तो अपना मुंह खोल के राजी नहीं है। अरे कुछ बता ही नहीं रहे, क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है। क्यों, लव मैरिज है क्या? और नहीं तो क्या, हमने थोड़ा ना पसंद करी है लड़की, खुद ही पसंद करी है इसने। अरे अनीता, लव मैरिज के तो बहुत ही बुरे हाल है, अब तुझे मैं क्या बताऊं। अच्छा तू मुझे एक बात बता, उनको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ही क्या है, उनको पता है लड़का तो उनकी मुट्ठी में है, तो फिर वो लेने देने की बात क्यों ही करेंगे। हाँ हाँ आ रही हूँ। ठीक है अनीता, मैं जा रही हूँ, मिलते हैं फिर जल्दी। यार मम्मी, ये आंटी जब भी आती है बेकार की बातें क्यों करके जाती है? अरे बेकार की क्या बात बोली है उन्होंने, सही तो बोल के गई है, है ही तू उनकी मुट्ठी में। आया बड़ा। देखो जी, मैं तो इस लव मैरिज के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। अरे मेरे मायके वाले वैसे ही नाराज बैठे हैं, कह रहे हैं कि अपने कास्ट में क्या लड़के मर गए थे, कम पड़ गए थे, जो ये इंटरकास्ट कर रही है। मम्मी यार, आजकल कौन कास्ट वगैरह मानता है। बस कर, तू खुश है ना, वो खुश है और उसका परिवार खुश है ना, बस हम भी कैसे ना कैसे करके जहर का घूंट पी के रह लेंगे जिंदा। अरे भाई, हम तो अपनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की दे रहे हैं, और हाँ बोल दियो उस यश को, एक ही फंक्शन होगा, अब चाहे वो अपने घर वालों को बुलाए या पूरे रिश्तेदारों को बुलाए या पूरे मोहल्ले को बुलाए या पूरे ब्रह्मांड को बुला ले, जितना भी खर्चा होगा आधा आधा होगा। यार मम्मी, अगर मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करती तब भी आप मुझे यही सब कहती, तब जो हम करते सो करते, लेकिन ऐसा मौका तूने हमें दिया ही कहां।
देखो चली गई रोते हुए, अब बोलोगे कुछ या बैठे रहोगे? अरे अब क्या ही बोलूं, बोलने को क्या रह गया है, किसको पता था कि बच्चे ऐसा दिन दिखाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। हेलो। हाँ यश बोलो। क्या चल रहा है उधर तेरे घर पे? बस चल रहा है शादी से रिलेटेड, और क्या चलेगा। यार सिब्बू यहाँ का भी थोड़ा देख लेना, अपने पेरेंट्स को बोल देना पापा से पूछ लेंगे, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब तू जानती है यार वो लड़के वाले हैं, थोड़ा तो रिस्पेक्ट चाहते हैं। नहीं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, लड़के वालों की रिस्पेक्ट से तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब लड़की वालों की कोई रिस्पेक्ट कोई इज्जत नहीं है? तुम्हारे कहने पे मैंने भेजा ना अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर, तुम्हारे घर वालों की रिस्पेक्ट के लिए। यार सिब्बू मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। नहीं फिर क्या कहना चाहते थे? देखो यश जितना तुम कमाते हो उतना मैं भी कमाती हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट दोनों के पेरेंट्स की सेम होनी चाहिए। और ये कहाँ लिखा है कि वो मेरे पेरेंट्स को अच्छा फील नहीं करवा सकते? बस हमें ही तुम्हारे घर वालों को अच्छा फील करवाते रहना पड़ेगा। यार सिब्बू मैं तेरे को हर्ट फील नहीं कराना चाहता था। अच्छा तू ये सब छोड़, चिल कर, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी अच्छी लड़की और इतना अच्छा परिवार मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं हम। बात तो तुम सही कह रही हो यश की मम्मी, ऐसा लगता है जैसे जो बेटी की कमी थी ना वो पूरी हो गई हो। अरे तू क्यों उदास बैठा है, तू भी कुछ बोल। क्या बोलूं मम्मी, दो मुलाकातों में तो आपने रिश्ता तय कर दिया, मुझे भी तो कुछ टाइम देना चाहिए था उसको जानने का समझने का, पूरी लाइफ तो मुझे ही स्पेंड करनी है उसके साथ। अरे शादी के बाद तुम दोनों के पास टाइम ही टाइम है, समझते रहना एक दूसरे को। अच्छा सुन कल ना शॉपिंग करने जाना है, वो लोग भी आएंगे उधर से, छुट्टी ले लियो ऑफिस से। मम्मी मैं बार बार ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, शादी के टाइम पे ले लूंगा छुट्टी। अरे ले लियो बेटा, एक दिन की तो बात है। यार पापा शॉपिंग लड़कियों का काम होता है, मैं क्या करूंगा वहां जाके। अरे बेटा उन लोगों ने बोला है कि तुझे भी साथ लेके आना है, ले लियो छुट्टी। अच्छा ठीक है। और सुनिए जी मैं क्या कह रही हूँ, हम ना उन लोगों को कह देंगे कि खरीदारी पे ना ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें इतनी बढ़िया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की मिल गई है, सामान वामान की क्या जरूरत है, बोल देंगे उनको। आप ही बताइए हमें कोई अपनी बेटी दे रहा है, कोई कम बात थोड़ी है, और वैसे भी हमारे घर में भला किस चीज की कमी है जो हमें उनसे कुछ लेने की जरूरत है। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो अब चाय बना लो इसी बात पे। हाँ अभी लेके आती हूँ, तेरे लिए भी लेके आती हूँ। देख बेटा हमने तेरा रिश्ता अच्छे घर में तय कर दिया है, अब उस रिश्ते को आगे अच्छे से निभाना तेरी जिम्मेदारी है। जी पापा जी। वैसे मम्मी आप लोग अभी एक दो साल और भी तो रुक सकते थे। अरे बेटा अच्छे रिश्ते रुका नहीं करते, और फिर बाद में जितनी उम्र बढ़ जाती है ना लड़के भी उतनी बड़ी उम्र के मिलते हैं। खाक अच्छे रिश्ते मम्मी, उसकी और मेरी पसंद में से कुछ भी नहीं मिलता जुलता। उसको बॉलीवुड के पुराने गाने पसंद है, मुझे नहीं, वो नॉनवेज खाता है, मैं वेजिटेरियन हूँ। अरे तो ठीक है इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है, तुम दोनों अलग अलग गाना सुन लेना, तू अपना हेडफोन लगा लियो। और रही बात नॉनवेज की, वो नॉनवेज खाता है ना, कौन सा नॉनवेज तेरे मुंह में ठूस रहा है वो, अरे बेटा तू अपना वेज खा लियो। पापा यार क्यों, अब हमें ही देख ले तेरे पापा और मेरे कौन से शौक मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ में कितना खुश है ना, क्यों जी। सही कह रही हो। अच्छा बेटा हाँ सुन, कल ना तेरी होने वाली सास का फोन आया था, वो कह रही थी कि शॉपिंग पे जाएंगे साथ में, तो यश ने तो छुट्टी ले ली है, तो तू भी अपने ऑफिस की छुट्टी ले लियो। ठीक है? ठीक है ले लूंगी छुट्टी। और हाँ अपनी सास से ना ज्यादा खर्चे मत करवाइयो, वो जो भी दिलाए ना चुपचाप रख लियो, वरना क्या सोचेंगी कि देखो ये तो शादी से पहले कितना खर्च करवा रही है। अरे बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मम्मी जी तबीयत ठीक है, वो एक्चुअली आज थोड़ा उठने में लेट हो गया।
अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी थकान सी हो जाती है। तू एक काम कर, थोड़ी देर और आराम कर ले। तू पूरा दिन ऑफिस का काम करती है ना, थक गई होगी। रेस्ट कर तू थोड़ा। नहीं नहीं मम्मी जी, बस अब मैं उठी गई हूँ। अच्छा आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, तुझे तो पता है ये तो 10 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं। अब तू एक काम कर, फटाफट से उठ जा, नहा धो के फ्रेश हो जा, मैं तेरा भी नाश्ता बना देती हूँ, जल्दी आ जा। ठीक है मम्मी जी। कितना वर्कलोड है बिचारी पे, रात भर काम करते करते सो गई, अब सुबह फिर उठ के काम करने लग गई। मम्मी ये कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी होती है। बेटा तू ना उसका थोड़ा सा ध्यान रखा कर, बेचारी। फटाफट से जाती हूँ, कभी मम्मी गुस्सा ना करे। दुपट्टा ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गई? मैं पूछ रही थी कि आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, 11 बज रहे हैं और हम लोग तो 9 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता भी हो गया और अब तो बर्तन भी धुल गए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। हाँ हाँ बेटा जाओ। ये तो रोज ही इतने बजे उठने लगी, बताओ। वो रात भर थोड़ा लेट काम करके सोई थी ना मम्मी, इसलिए। लो अब तो फिर मैं क्या ही बोलूं, पहले एक को पाल रही थी, अब दो दो को पाल रही हूँ। अरे हमने नहीं संभाला क्या घर? हमने नहीं पैदा किए बच्चे, पाला नहीं क्या उनको? अरे जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो अकेले पूरा घर संभाला था मैंने। अब तुम्हें कुछ बोल दो तो तुम शक्लें बना लेते हो, बुरा मान के बैठ जाते हो। मम्मी मैं समझा दूंगा, कल से टाइम से उठेगी। अरे अभी शादी को कितने ही दिन हुए, तू उसको जरा समझा नहीं सकता? कितने कपड़े हैं उसके पास, पूरी अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन नहीं, उसको देख के लगता है कि उसकी नई नई शादी हुई है। आ गई है मुंह उठा के तेरा लोअर टी शर्ट पहन के, सर पे चुन्नी डाल के गुड मॉर्निंग मम्मी जी बोलने। मम्मी मैं समझा दूंगा। हाँ हाँ अब तुझे भी हम पे ही गुस्सा आ रहा होगा, तेवर तो तेरे भी बदल गए हैं शादी के बाद। यार मम्मी आप कैसी बातें कर रहे हो, आप लोगों को नहीं लग रहा आप उसको ओवरजज कर रहे हो? मम्मी वर्किंग बहू और नॉन वर्किंग बहू में बहुत फर्क होता है। आप नॉन वर्किंग थे इसलिए आपने घर को अच्छे से मैनेज किया, लेकिन आप एक वर्किंग लड़की से सेम उम्मीदें नहीं रख सकते हो। मैं मानता हूँ कि लड़कियों के सिर पे घर के काम की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मम्मी आप भी तो ये सब समझ के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हो ना। टाइम दो मम्मी चीजों को, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब हर समय मैं ये कमियां ही सुनता रहूंगा तो मेरी मेंटल पीस का क्या होगा? मम्मी पसंद से चाहे आप लेके आए हो या मैं लेके आया हूँ, है तो वो आपकी बहू ना। अनीता सही कह रहा है वो। हाँ ठीक है समझ गई, चल जा एक बार अंदर उसको पूछ ले, अगर तैयार हो गई तो बाहर आ जाए, तुम दोनों को नाश्ता करवा देती हूँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा और रिलेट भी किया होगा, और अगर सच में इंजॉय किया है तो एक लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ शेयर भी कर देना। और गाइस जुप्पी पे डिफरेंट डिफरेंट गेम है, खेलो और लाखों में जीतो, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, तो जाओ zuppi.com से डाउनलोड करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।